हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई परचेस या सेल्स की एंट्री करते हो या रिसीप वगैरह की एंट्री करते हो, तो उस टाइम पे बहुत सारे आपको लेजर, बहुत बार क्या होता है कि आपको लेजर क्रिएट करना पड़ता है, लेजर अल्टर करना पड़ता है। तो वो सारे क्रिएशन के लिए आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि आप एंट्री करते करते किस तरीके से शॉर्टकट की का यूज़ करके आप टैली में स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सेल्स एंट्री में दिखाऊंगा कि अगर आपका इनवॉइस नंबरिंग मैनुअल है, तो मैनुअल इनवॉइस नंबर में क्या होता है, क्या है कि जो भी आपका सेल्स लास्ट इनवॉइस नंबर है वो आपको पता नहीं चलता है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो वो लास्ट वाला इनवॉइस देख के फिर नेक्स्ट इनवॉइस नंबर दे देते हैं। तो मैं आपको एडवाइस यही भी दूंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल आर की का शॉर्टकट की का यूज़ करना है, जिससे आपका जो लास्ट इनवॉइस नंबर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज कर सकते हो। तो ये जो कंट्रोल आर है, उस शॉर्टकट की का अगर आप मैनुअल इनवॉइस नंबर यूज़ करते हो तो आपको यूज़ करना चाहिए। फिर क्या होता है कि जब भी आप नया कंपनी वगैरह क्रिएट करते हो, तो आपको बार बार लेजर क्रिएशन में जाके आपको लेजर नहीं क्रिएट करना है। आप एंट्री करने के टाइम पे लेजर क्रिएट करना चाहते हो, चाहे वो परचेस की एंट्री हो, चाहे सेल्स की एंट्री हो, चाहे बैंक की कोई भी एंट्री वगैरह करते हो, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको अल्टर सी यूज़ करना है। अल्टर सी से आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी का लेजर बिल बनाता हूँ, तो ये पार्टी का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेल्स एंट्री करने के टाइम पे डिस्प्ले डिटेल का ऑप्शन आता है, सेल्स पर्टिकुलर लेजर, पार्टी का लेजर सिलेक्ट करने के बाद। तो बहुत लोग करते क्या है कि वो वहाँ पे एंटर 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 की यूज़ करते। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल वगैरह एड करना नहीं है, तो सीधा आप कंट्रोल ए, जो कि शॉर्टकट की है एक्सेप्ट करने के लिए, तो कंट्रोल ए से आप डिस्प्ले डिटेल से आप सीधा बाहर निकल जाओगे। तो आपको इस की का यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर आपको सेल्स लेजर वगैरह भी आपको क्रिएट करना है, तो भी उसके लिए भी अल्टर सी शॉर्टकट की है। फिर आप आइटम वगैरह भी क्रिएट करना चाहते हो, आइटम के लिए भी शॉर्टकट की है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आइटम भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे कोई आइटम है और आप चाहते हो कि उस आइटम में अल्टरेशन करना चाहते हो, उस आइटम का नाम वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके उस पर्टिकुलर आइटम का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कीबोर्ड की जगह पर डेल नाम ऐड कर देता हूँ, तो ये भी मैं चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मतलब कंट्रोल एंटर से मैं आइटम का नाम वगैरह अल्टर कर सकता हूँ। और इसके बाद अगर आपने कोई सेल्स एंट्री में नरेशन वगैरह दिया है और आप चाहते हो कि जो लास्ट आपने नरेशन वगैरह टाइप किया है, उस नरेशन को आप रिपीट करना चाहते हो, आपने लास्ट नरेशन क्या किया था, तो यहाँ पे भी आप नरेशन में भी कंट्रोल आर की प्रेस करोगे, तो जो आपका लास्ट नरेशन होगा वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी शॉर्टकट की है जो कि आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।